चलिए बच्चों, अब डिस्कस करेंगे हम वेन डायग्राम के नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले के पार्ट में हमने सीखा था कि किसी भी व्यक्तियों या किसी भी दो तीन या चार ऑब्जेक्ट के बीच में हम वेन डायग्राम द्वारा उनके रिलेशनशिप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो ये पार्ट है, इसमें हमें एक स्पेशल रीजन बताना होता है, स्पेशल एक क्षेत्र बताना होता है जिसमें क्वेश्चन पर आधारित पूछी गई स्टेटमेंट को हमें यहां पर लाई करना होता है। इस पार्ट से तीन चार या फिर पांच टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों गारंटी है, जब ये पूरा वीडियो आप देख लोगे तो आपको वेन डायग्राम का टॉपिक कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। साथ में क्या होता है कि ये देखने में बहुत इजी होते हैं लेकिन क्वेश्चन अक्सर हमारे गलत हो जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में सीखेंगे यहां पर। तो स्टेटमेंट दी गई हमें कि आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमने क्वेश्चन को राइट नहीं किया, क्वेश्चन हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कि इस पार्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट में दिया गया है कि हमें वो रीजन मतलब कि जगह या फिर क्षेत्र, वो क्षेत्र रिप्रेजेंट करना है जो कि प्रश्न में पूछा गया। और सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। अब देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख ले कि हमें ये तीन सर्कल दिखाई दे रहे हैं और तीनों सर्कल को नाम दे दिया गया। जो ये सर्कल था लेफ्ट हैंड साइड में, ये गर्ल्स का पोर्शन है, और राइट हैंड साइड का सर्कल बॉयज का पोर्शन है, और जो नीचे का सर्कल है वो सिंगर्स का पोर्शन है, गायक का पोर्शन है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि इन द गिवन डायग्राम देर आर हाउ मेनी गर्ल्स हु आर नॉट बॉयज एंड नॉट सिंगर्स, या फिर हु आर नाइदर बॉयज नॉर सिंगर्स। अब क्वेश्चन को हम लिख लें, क्या पूछा गया, दोज गर्ल्स हु आर Neither boy nor singers। अब यहां पर देखिए, स्टेटमेंट में दिया गया कि हमें उन लड़कियों की संख्या को दर्शाना है जो न तो लड़के हैं और न ही गायक हैं, मतलब कि सिंगर हैं। अब देखिए, ये जो सर्कल है गर्ल्स वाला सर्कल, इस सर्कल को यदि हम देखें, केवल गर्ल्स वाले सर्कल को, तो यहां पर चार भी है, तीन भी है, नौ भी है और छह भी है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, वे लड़कियां जो न तो लड़के हों और न ही गायक हों। अब यदि हम तीन की बात करें, तीन का जो स्थान है वो देखिए गर्ल्स वाले पोर्शन में भी आता है और बॉयज वाले पोर्शन में भी, तो ये तीन हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार नाइन को देखें तो नाइन यहां पर सिंगर्स के पोर्शन में भी आ गया, बॉयज के पोर्शन में भी आ गया और गर्ल्स के पोर्शन में भी आ गया। लेकिन हमें बताना क्या था, केवल और केवल वो लड़कियां जो लड़के भी ना हो और सिंगर भी ना हो। इसी प्रकार छह भी सिंगर वाले सर्कल में आ गया, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर, क्योंकि फोर एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है, न ही लड़कों को और न ही सिंगर को। अब देखिए, इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट बदलकर किस तरीके से दे सकता था कि देयर आर हाउ मेनी गर्ल्स, ओनली गर्ल्स दे सकता था कि फाइंड आउट द नंबर विच रिप्रेजेंट द ओनली गर्ल्स। अब ओनली गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, केवल लड़कियां, और केवल लड़कियां का अर्थ क्या हुआ, वो केवल और केवल लड़कियां ही हो, न तो लड़के हो और न ही सिंगर हो। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा फोर। इसी पैटर्न पर यदि पूछ लिया जाता कि केवल लड़कों की संख्या बताइए, केवल लड़के कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। फिर पूछ लिया जाता कि विच नंबर रिप्रेजेंट द ओनली सिंगर्स,
ओनली सिंगर्स को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 5 होगा, या फिर स्टेटमेंट को बदल के पूछ लिया जाता कि विच नंबर रिप्रेजेंट दोज सिंगर्स हु आर नाइदर बॉयज नोर गर्ल्स, तो इसका अर्थ भी क्या हो जाता, ओनली सिंगर्स हो जाता, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता 5। ये था इसका पहला और बेसिक टाइप। अब हम दूसरा क्वेश्चन साथ लेके चलें। मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज गर्ल्स हु आर बॉयज बट नॉट सिंगर। अब यहां पर यदि हम क्वेश्चन की सेंस को देखें, क्या पूछा गया, हमें वो संख्या बतानी है जो उन लड़कियों को रिप्रेजेंट करें जो लड़के भी हो लेकिन बट नॉट सिंगर्स, सिंगर ना हो। अब सिंगर का जो सर्कल है उसका तो कोई भी नंबर हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब 5, 6, 7 और 9 ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सिंगर के सर्कल में आता है। अब बात बची 4 और 8 को लेके और 3 को लेके। यदि हम 4 की बात करें तो ये हमने अभी किया था, ये तो ओनली गर्ल्स हुई, लेकिन पूछा गया गर्ल्स के साथ साथ क्या हो, बॉयज भी हो, और ना ही 8 ऐसी संख्या क्योंकि ये तो बॉयज बॉयज है गर्ल्स नहीं है, तो इन दोनों का मिक्सअप देखेंगे हम, इन दोनों का सर्कल कहां पर एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, जहां पर संख्या 3 थी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहां पर 3। अब इसी क्वेश्चन को पलट कर कैसे पूछ सकता था, अभी तक पूछा कि उन लड़कियों की संख्या बताइए जो लड़के हो लेकिन गायक न हो, अब इसी क्वेश्चन को पलट के पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था कि those girls who are only boys। अब देखिए ये जो only वर्ड लगाया ये हमारे क्वेश्चन को बदल देता है, यहां पर only लगाया वे लड़कियां जो केवल लड़के हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, लड़की और लड़के का पोर्शन होना चाहिए, बाकी कोई भी पार्ट उसमें इंक्लूड ना हो, तो उस सिचुएशन में भी हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब इसी से रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। यदि बोला जाता कि विच नंबर रिप्रेजेंट द बॉयज हु आर सिंगर्स बट नॉट गर्ल्स, इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसे लड़कों की संख्या जो गायक तो हैं लेकिन गर्ल्स नहीं है, तो गर्ल्स का जो सर्कल था वो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं, तो 5, 7 और 8 बचेगा। और बात करें 5 और 8 की, 8 तो केवल और केवल लड़के हैं, 5 केवल और केवल गायक हैं, लेकिन हमसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा गया था और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार पूछा जाता कि दोज गर्ल्स हु आर ओनली सिंगर्स, दैट्स ऑल, पूछा गया कि दोज गर्ल्स हु आर ओनली सिंगर्स, इसमें इंक्लूड हो गया कि वो लड़कियां जो गायक है लेकिन लड़के नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। अब हमसे पूछ लिया गया, पहले देखिए केवल एक पूछा, फिर 2 का पोर्शन पूछा, अब 3 का पूछ ले और बोल दिया जाए दोज गर्ल्स, ये गर्ल्स भी हो सकता है पहले, बॉयज भी हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, दोज गर्ल्स हु आर बॉयज एज वेल एज सिंगर्स, इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसी लड़कियां जो लड़के होने के साथ साथ गायक भी हैं। अब देखिए मनाई किसी के लिए नहीं की गई, तो 3 ही सर्कल लेंगे हम, और 3 सर्कल को अलग अलग नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, 3 सर्कल का जो एक मिक्स पार्ट है, एक जो कॉमन हिस्सा है वो लेंगे। और यदि देखा जाए 4 की बात करें तो अलग, 8 की बात करें तो अलग, 5 की बात करें तो अलग। अब मैं 6 की बात करूं, 6 तो बॉयज से बाहर है लेकिन यहां तो बॉयज भी इंक्लूड है,
गर्ल्स भी इंक्लूड है और सिंगर्स भी इंक्लूड है, तो 6 भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। 3 की बात करें तो 3 सर्कल से बाहर है, किसके सर्कल से, सिंगर के सर्कल से, और हमें सिंगर को भी इंक्लूड करना है, तो 3 भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। और 7 की बात करें तो 7 गर्ल्स के सर्कल से बाहर है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। और ये 3 तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग सिंगल सिंगल पार्ट में है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 9। तो यहां पर देखिए, केवल एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाए, दो ऑब्जेक्ट को मिलाकर पूछा जाए, या फिर तीनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर पूछा जाए, तो हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब मैं आपको दो टाइप और बताता हूं जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हमारा ये बेसिक क्लियर है तो हम आगे क्वेश्चन के आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया गया, दोज गर्ल्स, या फिर मैं बोल दूं दोज सिंगर्स, हु आर बॉयज, ये है पहला क्वेश्चन, और इसी को लेकर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, दोज सिंगर्स हु आर ओनली बॉयज। यहां पर आकर अक्सर कई कैंडिडेट का आंसर जो है गलत हो जाता है। यहां यदि हम क्वेश्चन को देखें तो हमें देखने में सिमिलरिटी लगती है क्वेश्चन में, कि एक ही जैसा क्वेश्चन है। यहां पर भी पूछा गया था दो सिंगर्स हु आर बॉयज, और यहां पर भी पूछा गया दो सिंगर्स हु आर ओनली बॉयज, मतलब कि सिंगर्स और बॉयज पूछे गए। लेकिन यदि इन दोनों क्वेश्चन में देखें तो एक वर्ड है जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ, वो दूसरे क्वेश्चन में ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ, ओनली। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ओनली वर्ड एक ऐड किया गया, और इस ओनली ने पूरा का पूरा मीनिंग बदल दिया लाइन का। कैसे बदल दिया, देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके, अभी अभी हमने किया था कि दो सिंगर्स हु आर ओनली बॉयज, इसका अर्थ क्या हुआ, वे गायक जो केवल और केवल क्या हो, लड़के हो, मतलब कि इन दो के अलावा वो कुछ भी नहीं होने चाहिए। अब ये तो सिंगर और बॉयज का कॉमन पार्ट आएगा, सिंगर्स और बॉयज का कॉमन पार्ट यदि देखा जाए तो क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 7। अब क्वेश्चन फर्स्ट पर चलते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत बार गलत होता है, और यहां पर भी हम क्वेश्चन का आंसर क्या दे देते हैं, 7, जो कि गलत होगा। यहां पर देखिए क्या बोला गया, दो सिंगर्स हु आर बॉयज, ऐसे गायक जो क्या हो, लड़के हो। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि वो केवल ही लड़के हो या फिर केवल ही सिंगर हो। यहां इन दोनों का होना जरूरी है, सिंगर और बॉयज का होना जरूरी है, इसके साथ साथ चाहे वो कुछ भी हो, हमें तो केवल ये दो पार्ट देखने हैं। यदि मैं बात करूं 7 की, 7 तो बॉयज है और सिंगर भी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने एक बार आंसर ले लिया था 7, जो कि क्या हुआ, गलत हुआ। अब 7 के अलावा और कोई नंबर भी है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, हमें क्या चाहिए, सिंगर और बॉयज। और सिंगर और बॉयज अगर 7 में है तो 9 में तो तीनों ही हैं। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जब तीनों का पार्ट पूछ लिया जाए तो 9, क्या इन 9 व्यक्तियों में, 9 कैंडिडेट में बॉयज हैं, बिल्कुल हैं। क्या इन 9 कैंडिडेट्स में सिंगर्स हैं, बिल्कुल हैं। और यही तो हमसे पूछा गया था कि इन दोनों का होना जरूरी है, लेकिन इन 9 में गर्ल्स भी ऐड है, और गर्ल्स ऐड है तो हम इन 9 को छोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ओनली नहीं बोला गया, ओनली यहां बोला था तो हमने गर्ल्स का पोर्शन छोड़ दिया था, लेकिन यहां पर ओनली शब्द यूज नहीं हुआ, तो 7 तो होंगे ही होंगे। 7 में प्लस कितने होंगे, 9 भी होंगे, 9 भी होंगे, और हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 16। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका, और
अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं, अगर यही स्टेटमेंट हो तो आंसर 7 देते हैं, तो एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना कि ओनली दिया या फिर विदाउट ओनली दिया क्वेश्चन। यदि ओनली दिया तो केवल दो पार्ट लेंगे, और ओनली का शब्द नहीं, शब्द का यूज नहीं किया गया ओनली का, तो इन दो के साथ साथ जितने भी पार्ट मिक्स होते हैं उनको भी काउंट करेंगे। अब इसी पे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बनाए। यहां पर हमने लिखा कि दो सिंगर्स हुआ बॉयज, ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन। अब हम करते हैं दो गर्ल्स हुआ बॉयज, अब यहां पर ओनली यूज नहीं किया गया, दो गर्ल्स हुआ बॉयज हमें पता है थ्री है, थ्री के साथ साथ नाइन लेंगे या नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्यों? क्योंकि ओनली यूज नहीं किया गया। तो गर्ल्स और बॉयज यदि देखें, गर्ल्स और बॉयज यदि देखें तो कितने हो जाएंगे, थ्री प्लस नाइन हो जाएंगे इक्वल टू 12 हो जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर मैं इसी के आगे लगा देता कि ओनली गर्ल्स हु आर बॉयज, ओनली गर्ल्स, या फिर यहां पर आ जाता कि गर्ल्स हु आर ओनली बॉयज, अब इसका अर्थ क्या हुआ कि वे लड़कियां जो केवल और केवल क्या हो, लड़के हो, तो वे लड़कियां जो केवल और केवल लड़के हो इनका मिक्सअप क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर अकेला थ्री हो जाता। फिर मैं बात करूं कि दोस गर्ल्स हु आर सिंगर्स, अब यहां पर ओनली नहीं यूज किया गया, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट है सिक्स, प्लस नाइन करेंगे तो 15 होगा। अगर बोल दिया जाता दोस गर्ल्स हु आर ओनली सिंगर्स, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सिक्स होता। तो ये पैटर्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन पर आकर बहुत सारे कैंडिडेट पजल हो जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। स्टेटमेंट में पूछ लिया गया दोज बॉयज हु आर आइदर गर्ल्स और सिंगर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमसे पूछा गया कि ऐसे लड़के जो या तो लड़कियां हैं या सिंगर्स हैं। अब यहां पर यदि देखा जाए ऐसे लड़के, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, स्टेटमेंट को ब्रेक कर देते हैं, दोज बॉयज हु आर गर्ल्स, दोज बॉयज हु आर गर्ल्स क्या होगा, ये गर्ल्स ये बॉयज, दोज बॉयज हु आर गर्ल्स हम क्या करेंगे, थ्री प्लस नाइन करेंगे, तो हमने लिया थ्री प्लस नाइन। फिर दोज बॉयज हु आर आइदर का केस हमारा हो गया गर्ल्स, और का केस ले तो सिंगर दिया गया, दोज बॉयज हु आर सिंगर्स, दोज बॉयज हु आर सिंगर्स, तो ये पार्ट हमारा कौन सा होगा, सेवन प्लस नाइन का होगा, और नाइन को तो हमने दो बार जोड़ दिया, तो नाइन को हम दो बार नहीं केवल और केवल एक बार काउंट करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता थ्री प्लस सेवन प्लस नाइन, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये जो होगा सेवन थ्री टेन और नाइन नाइनटीन, नाइनटीन कैंडिडेट ऐसे हैं, नाइनटीन कैंडिडेट ऐसी संख्या है लड़कों की जो या तो लड़कियां हैं या फिर गायक हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन पर आकर पजल हो जाते हैं। चलिए दूसरी स्टेटमेंट के साथ और दूसरे डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हमें यहां पर नंबरिंग की जगह अल्फाबेट्स दे दिए गए और प्रोफेशन दे दिया गया कि जो स्क्वायर या रेक्टेंगल में है वो टीचर को रिप्रेजेंट करेंगे, या स्क्वायर या रेक्टेंगल टीचर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर ले फास्ट ट्रैक पर। यदि पूछा जाए ओनली टीचर्स तो ए, ओनली इंजीनियर्स पी, ओनली डॉक्टर्स एच, द टीचर्स हु आर डॉक्टर्स
तो क्या होगा, अब क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब देखिए यहां पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए द टीचर्स हु आर ओनली डॉक्टर्स, या पूछ लिया जाता द टीचर्स हु आर डॉक्टर्स। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें ये टाइप हमारा हो चुका द टीचर्स हु आर ओनली डॉक्टर्स, यहां पर ओनली यूज किया गया, और यहां पर क्या था द टीचर हु आर डॉक्टर, वे अध्यापक जो डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, साथ में चाहे कुछ भी हो। लेकिन यदि यहां पर देखा जाए तो टीचर और डॉक्टर का एक ही कॉमन अल्फाबेट है, वो है सी। इसके अलावा इंजीनियर तो इसमें ऐड है ही नहीं, और वैसे भी इंजीनियर के लिए इस क्वेश्चन में तो बोला भी नहीं गया, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे कि द टीचर्स हु आर डॉक्टर्स, और इसके साथ साथ चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, क्योंकि इंजीनियर का पार्ट अलग रख दिया। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर इसमें भी क्या होगा, सी होगा। तो कई बार जो चीजें ना दिखाई गई उसके बारे में पूछ लेता है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डायग्राम से पूछ लिया जाए। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच अल्फाबेट या विच कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट द टीचर्स हु आर बोथ डॉक्टर्स एज वेल एज इंजीनियर्स। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि उन अध्यापक की संख्या बताइए जो दोनों है, डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो तीनों का कॉमन पार्ट तो यहां पर दिखाई ही नहीं देता, ऐसा कोई क्षेत्र बनता ही नहीं, ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई फील्ड ही नहीं जो इन तीनों को आपस में अटैच कर दे। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। यदि ऑप्शन में जीरो दिया गया तो सही, या फिर दिया होगा नन तो वो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जो तीनों को रिप्रेजेंट करती हो। अब एक क्वेश्चन हमने किया था, एक टाइप किया था लास्ट क्वेश्चन में, वो टाइप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। बोल दिया जाए दोज टीचर्स हु आर आइदर डॉक्टर और इंजीनियर। ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका कि ऐसे अध्यापकों का क्षेत्र बताइए, जगह बताइए जो या तो डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम ब्रेक कर ले, टीचर रहेगा दोनों में, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट क्या है, ऐसे अध्यापक जो या तो डॉक्टर हैं, या फिर क्वेश्चन को यहां से ब्रेक करके फिर से यहां शुरू करें, ऐसे टीचर जो इंजीनियर है। तो दो स्टेटमेंट यदि हम बनाए, दोज टीचर्स हु आर डॉक्टर्स, तो टीचर और डॉक्टर का पोर्शन क्या होगा, सी। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। इसके साथ साथ क्या बोला गया, इंजीनियर भी बोला गया, और इंजीनियर का पार्ट किसके साथ बोला गया, टीचर के साथ बोला गया, और टीचर है रेक्टेंगल या फिर ये स्क्वेयर। अब स्क्वेयर और सर्कल का पार्ट मिक्सअप क्या होगा, के होगा, तो सी के साथ साथ के भी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सी कोमा के, क्योंकि ये दोनों ऐसे फील्ड हैं जो उन टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो या तो डॉक्टर होंगे या फिर इंजीनियर होंगे। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बार बार इस वीडियो को देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही हम आप तक हर वीडियो पहुंचाते रहें।